हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के संग्रह में एक और परिभाषा देखेंगे जो कि है वेग प्रवणता, किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा का विमा लिखे, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेफिनेशन देखा जाए, किसी तरल पदार्थ के प्रवाह में प्रति एकांक दूरी पर स्थित दो परतों के बीच वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। मीन दो परतों के बीच तरल प्रवाह में, तरल प्रवाह मतलब कोई लिक्विड हो, लिक्विड कैसा हो सकता है, पानी ले लेते हैं, मान लीजिए पानी है, किसी सतह पे उसको गिराया गया, ठीक है, सतह पे पानी को गिराया जा रहा है, तो पानी की सतह पे जब पड़ेगा तो सतह पर नीचे वाला जो पार्ट है वो है ऊपर, ये सारे पार्ट जो होंगे अलग अलग वेग से गति करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे वाले का वेग ज्यादा होगा, ऊपर वाले का वेग क्या होगा, कम होगा, और ये एक समान रूप से नहीं, जैसे ये एक समान बढ़ रहा है ऐसा नहीं, नीचे वाला पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे ऊपर वाला बढ़ेगा, जिसके कारण सारी तरफ का वेग क्या हो जाता है, अलग अलग, हर बार जो वेग होता है परत का वेग अलग अलग हो जाता है, इन्हीं परत में वेग का जो परिवर्तन होता है, में जो चेंज हो रहा है वेग में, वह और प्रति एकांक दूरी मतलब दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता बराबर होता है डेल्टा बी बटा डेल्टा एक्स। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, दो वेग अगर मान लें, ये वी वन और वी टू, तो हो जाएगा वी टू माइनस वी वन बटा, अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर है, एक एक्स वन है और एक की मान है एक्स टू है, तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी को ही वेग प्रवणता कहते हैं। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक प्रति सेकंड होता है एस माइनस वन, और इसकी विमा एम एल टी माइनस सॉरी एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन होती है। कैसे हुआ देख लीजिए, वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा एल टी माइनस वन होती है और एक्स की विमा एल होती है। दोनों को जब भाग देंगे एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा टी माइनस वन, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, खाली टी माइनस वन हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।